हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपना नया मोबाइल फ़ोन जो मैंने अभी हाल फिलहाल में ख़रीदा है। तो दोस्तों, ये है ये डब्बा जो आप देख रहे हैं, इसके अंदर है मेरा मोबाइल फ़ोन। वैसे तो हमने इसे पहले ही खोल लिया था, दो दिन पहले ही आया है ये, और ये फ्लिपकार्ट से मंगाए, हम लोग ऑनलाइन मंगाया था। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि ये कैसा है ये फ़ोन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये पहले से ही यहाँ पर मैंने कट कर दिया था, और ये फ़ोन जो है वो मतलब कॉस्ट वगैरह इसका क्या है वो अंदर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि इसके अंदर है क्या। तो ये देखिए, इसके अंदर ये एक डब्बा है। तो डब्बे के अंदर ही फ़ोन है, और क्या क्या है मैं सब चीज़ आपको दिखाती हूँ। इसका कॉस्ट जो है आपको लगभग 18,490 का, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका कॉस्ट जो है 18,419, मतलब 19,000 का, मतलब लगभग मोबाइल है 19,000 का। इसमें 1,000 के आसपास डिस्काउंट है, मतलब 1,000 रुपया अभी डिस्काउंट मिला था। मगर इसमें एक चीज़ है, इसमें आपको चार्जर अलग से ख़रीदना होगा, क्योंकि इसमें चार्जर जो है वो नहीं दिया गया है। और इसमें मार्केट में इसका चार्जर आपको मिल जाता है किसी भी मोबाइल शॉप पे, लेकिन थोड़ा सा महंगा आता है। इसका 1500 के करीब इसका चार्जर आता है, कहीं कहीं पर तो 2000 का दिखा रहा था। तो आप इसका चार्जर, अगर आप ये मोबाइल को ख़रीदते हैं तो इसका चार्जर जो है आपको अलग से ख़रीदना होगा। ये मोबाइल देख लें तो ये सैमसंग का है, और ये सैमसंग गैलेक्सी F14 5G, ये 5G फ़ोन है। सैमसंग गैलेक्सी F14 इधर, 5G इधर, आप देखिए दिखा हुआ है। तो अभी मैं इसको आपका अंदर पूरा खोलकर दिखाती हूँ कि इसके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ, ये देखिए बॉक्स मैं ऊपर करती हूँ, ये देखिए बॉक्स है। तो सबसे पहले तो ये एक पर्ची है, और ये USB यहाँ पे दिया हुआ है, पर यहाँ पे चार्जर इसमें नहीं है, USB है। यहाँ पे ये देखिए जो है यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आपको सैमसंग का स्मार्ट गाइड, यहाँ पे गाइड दिया हुआ है कैसे कैसे फ़ोन को इसको आपको यूज करना है। यहाँ पे वही पेज है आपका सैमसंग का इंडियन रीजनल लुक गाइड, यहाँ पे ये दिया हुआ पेज। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ अब निकलने वाला है हमारा फ़ोन। देखिए ये इसके अंदर बंद है फ़ोन, मेरा सैमसंग का है। और ये देखिए, मैं आपको इसको खोल के दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये पैक है। तो ये सबसे पहले ऊपर देखिए, ये एक छोटा सा पिन है जहाँ से हम लोग यहाँ से ऑन करते हैं, जहाँ से सिम का ये निकलता है चिप, सिम यहाँ से हम लोग खोलते हैं इसको, यहाँ से ये दिया हुआ है। आजकल यही चलता है, खुद से ऑन नहीं होता है, तो इसे खोना नहीं है, इसको संभाल के रखना है। और ये देखिए मेरा जो फ़ोन है, मैं इसको निकाल के आपको दिखाती हूँ। देखिए ये इस तरह से प्लास्टिक के अंदर पैक है। और इसका फीचर की बात करें तो मैं भी आपको ये सब चीज़ दिखाती हूँ, इसके अंदर सारा चीज़ आपको लिखा हुआ। पहले फ़ोन को मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। ये थोड़ा सा इसे इसके अंदर डाला हुआ है, तो इस तरह से मैं इसको आपको इस तरह से खोलकर दिखा देती हूँ। देखिए ये फ़ोन है, पर इसमें बैटरी नहीं है, इसे मैंने चार्ज अभी तक किया नहीं है। इसमें पीछे बैक कवर, इसका कलर जो है ये लाइट, देखिए लाइट ग्रीन कलर का है, काई कलर का आपको दिखेगा। और ये जो है वो इसमें आपको हर चीज़ देखने को मिल जाएगा। ब्रांड जो है वो सैमसंग है, 6GB आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं 6GB रैम है, और इंटरनल स्टोरेज 6GB है एंड 128GB साइड करके लिखा हुआ है। और ये यही है फ़ोन, ये ऑन नहीं हो सकता है क्योंकि ये मतलब चार्ज ही नहीं है। ये पिन जो है, देखिए यहाँ से हम लोग यहाँ पे सिम डाल सकते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप इसको ऐसे डालिएगा तो ये जो है वो देखिए बाहर आ जाता है। मैं यहाँ पे डाल देख सकती हूँ, यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे आप सिम अपना डाल सकते हैं। इसको मैं भी पुश कर देती हूँ, पुश करके इसको इस तरह से यूज करना है। अभी चार्ज ये है नहीं, यहाँ पे दिया हुआ है वॉल्यूम का बटन दिया हुआ है, नीचे पीछे देखिए इस तरह से दिया हुआ है। ये नॉर्मल जो सैमसंग फ़ोन है उसी की तरह है, कोई ख़ास नहीं है। और इसका ये मैंने, हम लोगों ने कवर भी ख़रीद लिया है, फ्लिप कवर, क्योंकि ये ज़रूरी है, मोबाइल को सेफ रखता है। अभी मैं आपको बता देती हूँ कि इसका क्या क्या और फीचर है। देखिए इसमें जो है, ये जो फुल HD प्लस डिस्प्ले है इसका, 19Hz रिफ्रेश रेट इसका है, HD प्लस इसका जो है डिस्प्ले है। और डुअल कैमरा तो है ही, इसमें दो कैमरा है, 50 जो मेगा पिक्सल है वो मेन कैमरा जो है वो 50 मेगा पिक्सल का है, और 13 मेगा पिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा जो है वो 13 मेगा पिक्सल का है।
एंड यहाँ पे जबकि बैटरी की बात करें तो 6000 mAh बैटरी है, 6000 mAh का, एंड 20 वाट फास्ट चार्जिंग है इसका। और भी बात करें तो स्क्रीन की ये फुल रिचार्जेबल है, फुल जो है ये रेक्टेंगुलर शेप का है जो यहाँ पे भी दिया हुआ है। कैसा इसका साइज़ क्या क्या है देखिए, यहाँ पे देखिए 16.72 सेंटीमीटर और 16.30 सेंटीमीटर। राउंडेड कैमरा, राउंडेड कॉर्नर्स है, मतलब आपका कॉर्नर जो है राउंडेड शेप का मिलेगा। देखिए हाँ, ये कम इसके बारे में बताया गया, इस कॉर्नर जो है वो पूरा इस तरह से स्क्वायर रेक्टेंगुलर में नहीं है, राउंडेड शेप में है। तो इसका साइज जो है 16.72 सेंटीमीटर फुल है, फुल रेक्टेंगुलर का है इस तरह से देखिए। और इसका जो यहाँ पे है 50 MP प्लस 2 MP डुअल रेयर कैमरा, 13 MP फ्रंट कैमरा, वही फ्रंट कैमरा के बारे में दिया हुआ है, 2 MP डुअल रेयर कैमरा है, 2 MP का रेयर कैमरा दिया हुआ है। तो ये है मेरा मोबाइल। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। तो ये मेरा मोबाइल फ़ोन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। अभी मैं इसको पैक करके रख देती हूँ। देखिए मैं आपको ये USB भी दिखा देती हूँ। इस तरह से इसका चार्जर जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। ये USB मतलब पिछले मोबाइल जो मेरा था सैमसंग का, वो काफ़ी चला था मेरा, 5-6 साल से मैं उसे यूज कर रही हूँ, पर कुछ हुआ नहीं है। उसका सारा चीज़ बहुत अच्छा रहता है। तो उससे जो चार्जर है वो बिल्कुल अलग है। तो इसका चार्जर जो है वो नया ख़रीदना पड़ेगा। तो अभी ये मैं फ़िलहाल इसको पैक करके रख देती हूँ।